तो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने मतलब थोड़ा मोड़ा घूमा, थोड़ा मोड़ा मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा मोड़ा कुछ मिले उधर किए। तो फ्रेंड्स मैंने अभी थोड़े मोड़े कुछ अपडेट्स किए हैं, तो देख के बताइएगा कैसा लगा। कमेंट्स भाई टर्न्ड ऑफ है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज क्विज। देखिए फ्रेंड्स मैंने कुछ नहीं की, ऊपर में ये डर्ट तो लगी हुई, ये फर्नेस बना दिया नया जिसमें मैंने कॉबल स्टोन्स रखे थे स्टोन्स बनने के लिए। ये स्मूथ स्टोन थे जिसको मैं स्मूथ स्टोन को पिघला के न जाने क्या बनाऊँगा। तो फिर उसके बाद मैं रखूँगा और तो कुछ होगा नहीं। हाँ ये खाने को थोड़ा पका दी हूँ। टॉर्चेस मेरे को चाहिए नहीं, सात काफ़ी हैं, एक्स वगैरह सब ठीक है। मैं सोचा हूँ फ्रेंड्स इधर चेस्ट रूम बना लूँ। तो आज जैसे मैंने कहा था कि आज मैं माइनिंग करने जाऊँगा लेकिन टालनी पड़ेगी क्योंकि अभी थोड़ी बारिश हो रही है। तो पिकेक्स लेके चलते हैं फिलहाल, तो अभी और स्टोन्स लाने। आयरन गोलम को मारने का ट्राई करूँ क्या? नहीं भाई ज़िंदा नहीं बचेंगे फिर तो, ये तो अपने मंद मस्त में चलते चले जा रहा है। अगर बेचारे को मार दिया तो फिर ये ज़िंदा बचेगा नहीं। नहीं भाई नहीं 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 नहीं, बहुत डर लग रहा है। जब डायमंड स्वॉर्ड होगी तब फाइट लेंगे। अभी तो फ्रेंड्स मैं वापस गिर गया हूँ इस कहले गटर वाले पानी में। अब मैं इधर से कैसे निकलूँ, क्या करूँ? डूबो थोड़े देर, तुम बहुत उछल रहे थे। चलो थोड़ा सा इसको तोड़ा जाए शवल से। सोच रहा हूँ आयरन गोलम को इसमें डुबा कर मारूँ क्योंकि भाई 30 ब्लॉक ऑफ आयरन दे देते हैं वो, और 30 ब्लॉक ऑफ आयरन कोई हलवा पूड़ी तो है नहीं। तो फिर लेट्स स्टार्ट इट। क्या करूँ, कैसे मारूँ? ये मतलब आग से इसको इफेक्ट पड़ता है, पानी से ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं आई थिंक। इसको धक्का देते हैं, जाता है देखें भाई। हाँ, जा रहा है। इसको पानी में धक्का देते हैं। ए आयरन गोलम के बच्चे जा उधर, पानी में जा। ओ भाई हमको मत गिरा, तू जा पानी में। अबे यार ये छोड़ भाई, इसको गोली मारो, गोली होती तो मारते। फिलहाल तो मैं चल रहा हूँ अभी इस पत्थर तोड़ने थोड़े मोड़े। तो फिर इधर से नहीं, कहीं पे कोई अच्छी सी जगह माइनिंग करने के लिए देखनी पड़ेगी। हाँ अपना वो कॉबल स्टोन वाला सिंगल मीनार, चार तो वो है नहीं, इसको तोड़ देते हैं। हट, यहाँ कोई टॉर्चेस ज़रूरी नहीं है, यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉर्चेस मुझे ही मिलेंगी। फेंसेस भी लगे हुए हैं। हट सारे भाई। लेकिन सच में यार कमाल का मतलब एक्स जो मिल गई ना स्टार्टिंग में, गजब तबाही हो गई। ऐसे मैं तोड़ता हूँ जैसे कोई बिल्ली। यार मेरे पास फिश नहीं वरना इसे टेम कर लेता। डैम इट भाई रात होने वाली है यार, ज़ॉम्बीज तो मेरा पसीना निकाल देंगे। फिलहाल तो चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े इतने सा मैनेज हो जाएगा। फिलहाल कॉबल स्टोन तोड़ने पर ध्यान देते हैं। सोचा था कि बाकी ऑलमोस्ट सारा काम मतलब जो होगा घर बनाने का वो मैं इस वीडियो में नहीं तो फिर अगले वीडियो में कर लूँगा, मगर लेकिन सोचा कि नई वीडियो के सामने में ही ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि चुपके करेंगे तो उतना मज़ा आएगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने कॉबल स्टोन तोड़ दिया है, लेकिन बेचारा ये घर जिसका होगा वो तो बहुत रोएगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि चलो किसी विलेजर के घर में जाकर सो जाते हैं। ओ भाई मॉब्स आ गए भाई, मैं गया भाई। मैंने दरवाज़ा इधर का तोड़ दिया था भाई, कोई घर ढूंढता भाई। क्रीपर, अब ये क्रीपर नहीं बचेगा। रुक, आ फटा भाई, हेल्थ देख मेरी, भूल गया था आर्मर नहीं है मेरे पास। खुल गेट, अबे तू क्या करूँ, डॉट लगा देता हूँ, ये विलेजर भी नहीं जा सकता। अबे उठ, इसको उठा के भाई मैं सो गया, कोई दिक्कत नहीं मैं सो जाता हूँ भाई। ये भी सुनने वाला था अभी भाई, सॉलिड कदम तबाही है। तो अगली वीडियो तो आएगी ही फ्रेंड्स, तो सोचूं मैं क्या करूं, इसे यहीं पे बंद कर देता हूं और डर्ट को यहां से तोड़कर मैं निकल जाता हूं। नहीं भाई नहीं निकल सकता, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूं क्योंकि भाई विलेजर्स रात में भूत बन जाते हैं और फिर वो वापस विलेजर्स बनते रहिए। तो भाई मेरे पास ना ज़्यादा पिकेक्सेस हैं, दो ही पिकेक्स है, फिर भी चलो चलते हैं। तो फिर आज हम लोग चलते हैं भाई माइनिंग करने। भाई माइनिंग करने के लिए मुझे ना सबसे पहले एक ऑटो बिल्ड कुछ चाहिए, ऑटो बिल्ड माइन शाफ्ट टाइप का कुछ मिल गया ना तो पत्थर। हाँ भाई, ओ भाई मैं ऊपर कैसे जाऊँगा अब, नीचे तो मैं आ गया जैसे। भाई आयरन ओर,
भाई थैंक गॉड यहीं पे आयरन ओर मिल गया। अब भाई थोड़ा नहीं बहुत आयरन ओर है, काफ़ी होंगे इतने, स्टोन्स भी चाहिए होंगे थोड़े मोड़े। भाई यहीं मैं माइनिंग करूँगा, मैंने ये लोकेशन तय कर ली। थोड़े नहीं बहुत सारे आयरन ओर मिल गए, इतने आयरन ओर का मैं करूँगा क्या। और एक चेस्ट भी चाहिए होगी फ्रेंड्स, ये बसॉल्ट पड़ी हुई है, इसको तो मैं इसी से तोड़ दूँगा, पिकेक्स खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर भी मैं जो सोच रहा हूँ जाऊँगा, मगर जब टॉर्चेस अच्छी खासी और पिकेक्सेस वगैरह थोड़ी तगड़ी वाली हो जाएगी ना तब मैं जाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं आयरन ओर वगैरह कलेक्ट कर ही लेता हूँ। कलेक्ट हो जा भाई, कुछ बचा है क्या? हाँ बसॉल्ट्स बचे हैं थोड़े भाई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं ऊपर कैसे जाऊँगा, नीचे तो मैं आ गया। लैडर है उनके पास क्या? नहीं भाई लैडर भी नहीं है। हाँ लैडर है, चार है, चार लैडर है। तो फ़िलहाल तो मैं सोच रहा हूँ पहले पिकेक्सेस से, अंदर में तो भूत वूत होते होंगे। सो ये भाई इसको भाई मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा टॉर्चेस लगा देते हैं अंदर को, क्योंकि इधर नहीं है, थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करना बनता है, नीचे का रास्ता ही। ओ भाई मॉब, भाई मॉब, भाई मॉब, इसको तो मैं इससे मारूंगा, सिल्क टच वाली से। ओ भाई नहीं भाई, तू जा तू जा तू जा, तेरे को मैं क्यों मारूँ एक्सपी से। सिल्क टच वाली एन्चेंटमेंट लगी हुई है, तुरंत टूट जाएंगे भाई। कोल और आयरन सॉलिड है, अभी आयरन पिकेक्स लेके आऊँगा अगली बार में। स्टोन थोड़े ज़्यादा, आयरन थोड़े कम। और फ्रेंड्स ये तगड़ी आवाज़ के बाद, तो फ्रेंड्स ये रहा, ये एक, ये दो, इतने कोल भाई काफ़ी होंगे, टॉर्चेस भी चाहिए होंगे थोड़े मोड़े। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे, मेरी एक पिकेक्स की हेल्थ भी ख़त्म हो गई, अच्छा खासा आयरन और भी मिल गया, कोल भी अच्छी खासी मिल गई। तो अब सोच रहा हूँ कि थोड़े मोड़े मतलब स्टोन्स कलेक्ट कर लूँ और निकल लूँ इधर से, क्योंकि भाई अभी एक ज़ॉम्बी आ गया था, मारते मारते भूत बन गया मैं, बड़ा मुश्किल से बचा हूँ। पॉज इसलिए कर दी कि थोड़ी आसपास में आवाज़ हो रही थी, सो हो सकता है कि बीच बीच में माइक म्यूट हो जाए, सो बुरा मत मानिएगा। हाँ फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक रिडल है, यू हैव टू सॉल्व इट, और रिडल बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मतलब यस या नो में जवाब देना होगा, या शायद हो सकता है या दो ऑप्शंस दिए जाएंगे। कितने स्टोन्स हुए, स्टोन्स भी देख लेते हैं, 29 स्टोन्स है, 16 बेसाल्ट्स है, 64 कॉबल स्टोन्स हो चुके हैं, काफ़ी होंगे इतने। आई थिंक वी शुड गो, अब निकलेंगे कैसे ये तो सोचना होगा, क्योंकि मैं आ तो गया भाई जैसे तैसे, स्टेयर्स बनानी होंगी आई थिंक, आ तो गया मैं जैसे तैसे, निकलूँगा कैसे। चलो इधर थोड़ी सी कॉबल स्टोन्स कलेक्ट हो ही जाएगी, क्योंकि इधर तो मैं स्टेयर्स बनाऊँगा, क्योंकि भाई लैडर मैं अपनी वेस्ट करना नहीं चाहता। नहीं देख सकते हैं अच्छी खासी, एक दो अच्छी खासी इधर से लैडर बन रही है, लेकिन कॉबल स्टोन्स कलेक्ट करके जाएंगे, क्योंकि कॉबल स्टोन्स की अभी बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। अब क्या करें, इतनी ऊपर जाना है, अब हलवा पूड़ी है तो नहीं जैसे जा सकें, रात भी होने वाली है, शवल लेके तोड़ते हैं, अब शवल का क्या काम है। स्टेयर्स हैं मेरे पास लेकिन, ओ भाई गिर गया, क्या करूं मैं अभी के फ़िलहाल के लिए। टेम्प्ररी जुगाड़ तो मैं लगा सकता हूं, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी ना, मेरे पास लैडर भी चार ही हैं, टेम्प्ररी जुगाड़ तो हो ही जाएगा, तो फिर क्या करें। ऐसे ही अगर स्टेयर बना के चलेंगे तो सालों लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सालें ही लगेंगे, महीने नहीं, महीने लगेंगे, साल लगेंगे, दिन थोड़ी लगेगा। तो भाई अब क्या करूं, अब एक तरीका है मेरे पास, सिंपल इसको कट मारूँ, इसे निकलो इधर से, ऊपर तो जाने, ऊपर माइन कर सकते हैं तो करो भाई, खोदो इस डर्ट के बच्चे को, खोदो इस डर्ट को, इसको तो खोद भी नहीं सकते। चढ़ो एक स्टेज ऊपर, हाँ चढ़ गया, अब खोदने का ट्राई करते हैं, खुद गया भाई। स्टोन पिकेक्स की हेल्थ भी जा रही है, तोड़ भी नहीं पाऊँगा मैं। शवल की तो भाई, शवल तोड़ना है इसे, गुस्सा बढ़ा रहा है आज मुझे, आई एम नॉट जोकिंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। शाम होने वाली है, ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे इधर, लैडर लगाने की कोशिश करता हूँ एक। अरे भाई
चार लैडर्स में कुछ नहीं होगा, आई नो, तीन इधर ही लग गए। हाँ एक तरीका है मेरे पास। हाँ क्या है तरीका जानते हैं? एक नीचे भी लगेगा। हाँ ये तरीका है ये, एक सेकेंड, ये डर्ट लगाई मैंने, एक ये लैडर तोड़ी, कलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये ब्रिक को फेंको, डर्ट मिल गई, जैसे कलेक्ट करो, इस पे चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, कूदो कूदो चढ़ो इस पर, रात हो गई, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर लगा दिया शायद, तोड़ना पड़ेगा, क्या करें भाई, अब तो एक ही तरीका बचा है, जुगाड़ से तो होगा नहीं कुछ, नहीं और यहाँ पे रात में बिताना चाहता नहीं, निकल लो इधर से, निकलने का एक ही रास्ता बचा है, जो कि टेम्प्ररी है भाई, परमानेंट तो है नहीं, देखते हैं अपनी जा पाते हैं कि नहीं। ये ट्रिक भाई मैंने टेक्नो गेमर से ही सीखी है, इसलिए मैं उनका आइडल रहता हूँ, तो उन्होंने माइनक्राफ्ट में मुझे बहुत कुछ सिखाया है भाई। चलो भाई पक्का 13 ब्लॉक्स में मैं पहुँच गया, ये माइनिंग लोकेशन भी मुझे याद रखनी होगी भाई। स्केलेटन भाई दुनिया में सबसे पंगा लेना, मगर स्केलेटन से नहीं लेना, लेकिन मैं तो लूँगा, मुझे स्केलेटन से सख्त नफरत है। जब मैं शुरू शुरू में खेलता था, स्केलेटन्स ने बहुत धोया था मुझे, वो भी मिली होगी एक बार, वो नहीं मिली मुझे, कोई दिक्कत नहीं, फ़िलहाल मैं अपने घर चलता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ रुका तो ज़ॉम्बीस मेरा भूत नहीं आत्मा निकाल के मारेंगे। कॉबल स्टोन्स भी अच्छी खासी है, स्टोन ब्रिक्स से अब मैं बना, ये स्टोन स्टेयर्स को मैं फर्नेस में डाल के मे बी कॉबल स्टोन स्टेयर्स को नॉर्मल स्टेयर्स बना सकता हूँ। माइनिंग लोकेशन भाई, ये बच्चा ज़ॉम्बी, भाई ये बच्चा ज़ॉम्बी कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं है, रुक अबे रुक, अरे भाई इस ज़ॉम्बी से बचो भाई, ये ज़ॉम्बी बड़ा ख़तरनाक है, इस ज़ॉम्बी से बचो भाई, घुस जा भाई घुस, इसको बंद कर, माथा खराब सुत नियर वाइज की ऐसी की तैसी, वुड भी नहीं है अपने पास भाई, फैंटम्स भी हैं इधर, इधर को तो फैंटम्स भी है भाई, ये रात खस लेके खाली नहीं है फिलहाल, तो मैं आयरन और अपना डाल देता हूँ, ये इधर डाल देता हूँ, आयरन और पक रहा है, ये स्मोकर वगैरह को आ जाते हैं यहाँ पर, चेस्ट मेरे को चाहिए, उसके लिए वुड चाहिए, वुड तो मेरे को लाना, ब्लास्ट फर्नेस इधर रख लेते हैं, ये है क्या चीज़ ज़रा मुझे कोई ये बताएगा, ये इसमें लगेगा नहीं लगेगा, ये भी इसमें नहीं लगेगा, तो इसमें लगेगा क्या, इसमें रॉटन फ्लैश लगेगा क्या, कुछ लग ही नहीं रहा है तो मैं लगाऊंगा क्या, ये गेहूं लगेगा क्या, नहीं वुड भी नहीं, तो पता नहीं क्या है ये। तो फ्रेंड्स कल हम सोच रहे हैं कि आज वुड जाएंगे, फ़िलहाल तो आज की रात सोनी है, मगर सोनी नहीं है भाई, अगर मैं इधर मर गया और भाई मगर मैं इधर मर गया, सपोज एट बाहर गया और ज़ॉम्बीज़ को मारने, इतने इतने ज़ॉम्बीज़ हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं तो सोच रहा हूँ वीडियो पॉज कर दूँ, क्योंकि डर लग रहा है मेरे को, एंड आई एम नॉट जोकिंग, सच में बहुत तगड़ा डर लग रहा है, मैं सो भी नहीं सकता, किधर किधर को है मॉन्स्टर्स पता भी नहीं है, इधर क्रीपर है भाई, क्रीपर फट गया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी छोड़ो, गन पाउडर फिर जाएगा, क्योंकि पानी तो वो डालता नहीं है, वो गन पाउडर डालता है, सारा गन पाउडर फिर जाएगा, और खाना मेरे को अभी बहुत एचपी फुल करनी है, स्वॉर्ड है नहीं मेरे पास क्राफ्टिंग टेप, हाँ एक स्वॉर्ड है, चलो एक स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड से अभी हम चलेंगे बैटल करने, किधर को है मॉन्स्टर्स, ए मॉन्स्टर्स तू आ इधर, किधर है मॉन्स्टर, यहाँ पे है, हट, आ फटा भूत बना दिया, चलो ऊपर कोई डैमेज नहीं पड़ा, चलो हाँ बस, ओ भाई ये कहाँ से आ गया, तू किधर से टपक गया, ए बता किधर आ गया, किधर आ गया भाई, हट भाई, फ़ोन में खेलने का यही बड़ा प्रॉब्लम, इधर उधर टच कर दो तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, एक तो ये स्टोन पिकेट से कुछ हो नहीं रहा है, इसको स्टोन स्वॉर्ड से आपके गाजर से मारें, इसको TNT से फोड़ें, क्या हो क्या रहा है ये तबाही है, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, चलो एक गया, अब जरा इस महाशय ने जो क्रीपर ने जो डर्ट तोड़ी है उसे कलेक्ट कर लेते हैं, मैं तो इसे और ऊँचा करूँगा, अभी तो मैं सोच रहा हूँ इसे चेस्ट रूम बनाकर और ऊँचा करूँगा, आपको अरे भाई अंदर तो आने दे,
अच्छा इतना देर में इससे मार रहा था, तभी तो नहीं मार रहा था, मैं इसको शॉर्ट से मारना चाहिए था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो भाई आज सुबह हो गई है, तो आज मैं इस शार्पनेस टू सिल्क एफिशिएंसी वाले से मैं जा रहा हूँ वुड तैयार करने, और इस सारे जॉम्बीज की तो मैं वाट लगा के रहूँगा। बहुत मारा था मुझे, इधर आ हट, तू 1 HP है, हट जल गया। और ये तू कहीं जाएंगे नहीं। रॉटन फ्लैश, ये वेंडर ट्रेडर आया है, पता नहीं ये ट्रेडर मुझे कुछ देगा क्या। ट्रेड भाई, भाई एमरल्स मेरे पास नहीं है भाई, मैं तुझे कहाँ से दूँ एमरल्स, नहीं है। चलो छोड़ो, चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग वुड कलेक्ट करने चलेंगे, तो वो टूटा हुआ ऑब्सीडियन डायमंड पिकेक्स नहीं है ना, जो ना टूटा हुआ ऑब्सीडियंस था। सनफ्लावर तोड़ते हैं, चलो देखते हैं। फेंसेस अच्छी खासी हैं, घोड़े अच्छे खासे पाल रखे हैं इन्होंने, एक्सप्लोर ज़्यादा किया नहीं है भाई। उस सोच रहा हूँ ऊपर की साइड चलूँ, उधर इधर ज़्यादा ट्रीज़ हैं, इधर तो लग रहा है फॉरेस्ट ही है भाई। नीचे नदी होगी, पक्का नीचे नदी होगी, आई टोल्ड ना, और जॉम्बीज तो पक्का ही होंगे इधर। मुझे तो डर लग रहा है, लिटरली मुझे डर लग रहा है। अभी भाई इसे तोड़ना काटना जो भी करना है शुरू करते हैं। सिल्क टच है, ये तुरंत टूट जाएंगे। एन्चैंटमेंट तो गजब है भाई, ये एक्स भी मेरा जल्दी टूटेगा, और मुझे भाई रिपेयर करानी पड़ेगी एक्स। दूसरी वाली कहाँ गई, दूसरी वाली निकाल। इसे जब गोल्ड पिकेक्स होगी तब मैं रिपेयर करा दूंगा, अभी तो फ़िलहाल इसी से थोड़े मोड़े से काम। हाँ चलो भाई, जितना हो सकता था हो गया, अब ये सहारा नहीं देगी, स्टोर करके रखूँगा जब गोल्ड पिकेक्स होगी। भाई कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, अरे हाँ चेस्ट ही तो नहीं है, इसको फेंक देते हैं। कलेक्ट हो गए 20 वुड्स, अच्छी खासी। कितनी वुड्स कलेक्ट हो गई, अच्छा इसमें लगता है कुछ सिल्क एफिशिएंसी 3 लगा हुआ है ना, शार्पनेस 4 लगा हुआ है, तभी तो। वुड काटना शुरू कर देते हैं, और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि और ज़्यादा सामान मेरे पास आएगा नहीं। शवल वगैरह कुछ फेंक सकते नहीं हम लोग। एक्स तोड़ो, जल्दी तोड़ो इसे, तोड़ो तोड़ो इसे। तो फ्रेंड, तो भाई लोग सोच रहा हूँ कि रिडल आपसे अभी ही पूछ लूँ, क्योंकि बाद में पता नहीं ख्याल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिर क्या होनी चाहिए रिडल, ये मैं आपसे पूछता हूँ। जोकिंग भाई, रिडल आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, सो ज़्यादा उछलिए मत, क्योंकि आप लोग पता हो कि आप लोग बड़ी समझदार हैं, आप लोग रिडल सॉल्व कर ही लेंगे, क्यों है ना। तो फिर लेट्स, इतने वुड काफ़ी होंगे। तो आज बेसिकली है हमारा अपग्रेडिंग हाउस, इस वीडियो का टॉपिक आज बेसिकली है अपग्रेडिंग हाउस। तो आज का हाउस मगर अपग्रेड करेंगे क्रिएटिंग चेस्ट एंड ऑल। अगले वीडियो में भाई मैं माइनिंग करने जाऊंगा, अच्छे खासी मतलब हो गई है, अब माइनिंग करने जाएंगे। टॉर्चेस कोल वगैरह अच्छी खासी हो गई है, अब माइनिंग करने जाएंगे अपन लोग। कितने वुड हैं पता नहीं, मेरा एक्स की हेल्थ भी जाने वाली है भाई। स्टोन पिकेक्स की हेल्थ इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं जाती है जितनी गोल्ड की जाती है भाई। गोल्ड कोई कर्म का तो है नहीं, बस शोपीस के लिए। उसके चेस्ट प्लेट पहन लो, वो भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है। चेस्ट प्लेट से याद आया, हाँ भाई कमेंट में ज़रूर बना, क्योंकि अगले वीडियो में ही होगा कि मैं उनका क्या करूँ भाई। 64 हो गया, मुझे कुछ फेंकना पड़ेगा, क्या फेंकूँ क्या फेंकूँ। वोल नहीं, ये हड्डियों का ढांचा फेंक देता हूँ। 8 मील काफ़ी होंगे, इतने वुड 64 तो हो ही गए थे। सैंड भी कलेक्ट कर लूँ क्या, उनसे ग्लास बन जाएंगे। चलो भाई थोड़ी सी शवल लेकर फेंकूँगा किसको वो भी देख लेता हूँ। मैं स्टोन शवल को यूज़ करता हूँ, ये वैसे भी टूट ही जाएगी, फिर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। गोल्ड शवल की भी थोड़ी सी यूज़ मैं कर ही लूँगा। अपन की सैंड, थोड़ी सी सैंड चाहिए, इसे गर्म करके अपन बना देंगे वो क्या बोलते हैं इसको, सैंड को बोलते हैं वो क्या बोलते। अब भाई पानी नहीं, पानी नहीं भाई, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी मुझे सबसे गंदा लगता है। एक तरह से बढ़िया ही है, एक जगह है, मैं खोदते जाओ अपने आप, सैंड या जो भी होगा एक जगह आते जाएगा। शवल 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 कलेक्ट तो करने दे भाई। हाँ चलो हो गया कलेक्ट, इसको तोड़ दे। कितने, 25 सैंड है, 25 ग्लासेस तो हो ही जाएंगे शायद।
ग्लासेस चाहिए भी नहीं। तो फिर अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। मुझे तो वहाँ पे कुछ गुफा ऑलरेडी दिख रही है, उस गुफा में भी जाएंगे हम लोग। फ़िलहाल तो मुझे जो माइनिंग लोकेशन मिली है ना भाई, वो तगड़ी वाली आयरन ओर जिसके सामने में ही लटक रही थी, वो माइनिंग लोकेशन मुझे सबसे बेस्ट लगती है। कहाँ पे थी वो लोकेशन? यहाँ पे तो वो फूटा था, क्रीपर का बच्चा फूट गया था इधर इधर फार्मिंग में। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि फार्मिंग में ऐसा होता क्या जो लोग फार्मिंग करते हैं। मुझे आज समझ में आया कि फार्मिंग में मतलब एक बार अगर हम लोग कुछ निकाल दें तो वापस वो उग जाता है। देखते हैं, जैसे ये सेकेंड रो उगा निकाल दिया अभी, मैंने तो यही निकाल दिया, छोड़ो जो भी है। अभी हम चलते हैं कॉबल स्टोन्स को लेकर। सबसे पहले तो भाई क्राफ्टिंग टेबल में से प्लैंक्स बनाएंगे। प्लैंक्स भाई, 3 प्लैंक्स ये तो भाई जितने प्लैंक्स बनाओ उतने कम होंगे, क्योंकि इससे मुझे जो चाहिए ना वो बन सकते हैं। भाई मैक्स हो गए, जगह खाली हो गई। चेस्ट, चेस्ट में कहाँ से बनाऊँ? चेस्ट बन सकते हैं भाई, जगह ही नहीं है, क्या करूँ? फिलहाल तो मैं इस ही स्टैक को फेंक देता हूँ और चेस्ट ले। भाई यार क्या करें, ब्रूइंग स्टैंड नहीं अभी कुछ। हाँ, रॉटन फ्लैश फेंक देते हैं। हे स्टैक नहीं गिरा इसको। भाई साहब ये दिमाग ख़राब कर रहे हैं, एक तो चेस्ट नहीं बनाया दिमाग ख़राब, दूसरा है दूसरा। हाँ अब जो है आराम से हम लोग चेस्ट बना सकते हैं। अबे चेस्ट, चेस्ट रही ये चेस्ट, एक चेस्ट काफ़ी। भाई बन क्यों नहीं रही है चेस्ट? अभी भी जगह खाली नहीं है, बोल गिराओ। अब चेस्ट बन गई एक, चलो भाई अब जाके चेस्ट बनी है एक। अब जिसमें इसमें जितना आलतू फालतू सामान है ना, इसे मैं तो सोच रहा हूँ इसे मैं चेस्ट रूम ही बनाऊँगा, क्योंकि इसमें मतलब ऑलमोस्ट और उसे और लंबा खींचूँगा। ये पिकेक्स हैं ही अपने पास, डोर रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, सैंड, ब्रूइंग स्टैंड, फ्लिंट एंड स्टील, कॉबल स्टोन। कॉबल स्टोन से भाई अभी स्टोन बनाने हैं अपन को, तो अभी स्वॉर्ड वगैरह सब रख लेते हैं। अभी ये तो भाई सबसे तगड़ी चीज़ है, इसे नहीं रखा तो क्या रखा? एक्सेस वगैरह गोल्ड वाले, इसे रिपेयर करने में दिमाग ख़राब हो जाएंगे। ये रॉटन फ्लैश का कुछ कर सकते हैं क्या? भाई देखो ये भी भर गया, यही होना बाकी था, अब ये भी भर गया। एक और फर्नेस की ज़रूरत हो सकती है मुझे, ब्लास्ट फर्नेस तो नहीं, फ़िलहाल तो यही चाहिए। आयरन इंगेट 22 हो चुके हैं, इससे मैं पिकेक्स तो बनाऊंगा ही। फ़िलहाल इससे थोड़ा कॉबल स्टोन ले लेते हैं, थोड़ा नहीं सारा कॉबल स्टोन ले लेते हैं, और इसे मैं डालता हूँ इसमें। और भाई ये होगा क्या? नहीं ये नहीं होगा, फ़िलहाल तो यही होगा। भूख लग गई होगी अपने कैरेक्टर को। खाना खाओ भाई खाना खाओ, तुम कुछ तो खाना ठूको पहले। हो गया, ब्लास्ट फर्नेस में क्या डाल सकते हैं अपन? कैरेट नहीं, स्टोन नहीं, ये नहीं, तो डाल क्या सकते हैं समझ में ही नहीं आता है। छोड़ो फिलहाल क्राफ्टिंग टेबल से, मैं अभी जो अपन को क्या बनाने जानते हैं, आयरन पिकेक्स। आयरन पिकेक्स बनाने के लिए स्टिक चाहिए, ओ पेट स्टिक ही नहीं है, स्टिक के लिए वुड चाहिए, वुड ये रही नहीं, स्टिक भी है अपन के पास, वुड तो है ही। डार्क ओक लॉग भी चाहिए, इसको इधर मारो गोली। अब फिर ये से निकालो डार्क ओक लॉक, इतने ब्लॉक है ना अपन के पास, जितने मांगो उतने कम पड़ेंगे। ओहो ओहो, वाह 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 वाह, भाई कब बनेंगे सारे ब्लॉक्स? इतना वुड तो मैंने कभी नहीं लिया, लाइफ टाइम में नहीं लिया। उससे माइन कार्ट भी बन सकती है ना, अभी फर्नेस भी है। ये क्या है? कैलियो ड्राम, आई डोंट नीड। ये क्या है? स्मिथिंग टेबल, आई डोंट नीड। 99+ बन सकती है, 100 से ऊपर ही बनेगी। ये ओक, डार्क ओक, प्रेशर प्लेट्स, ये बटन, ये सब तो चाहिए नहीं मुझे तो। पहले भाई सबसे पहले तो मुझे एक स्वॉर्ड, एक ये दो गो ये, और एक आयरन चेस्ट प्लेट चाहिए, एक बूट चाहिए, और क्या करूं अभी एक स्टिक बना लेते हैं। और आयरन पिकेक्स नहीं बन सकती ना, अपने पास आयरन की कमी हो गई भाई, दो ही आयरन है, क्या करें? स्वॉर्ड बना लें या शवल बना लें? चलो शवल बना लेते हैं, शवल भी याद रखेगी कि उसने हमने क्या बनाया उसका।
फिलहाल तो भाई सब ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग पहनने जा रहे हैं अपना आर्मर फॉर द फर्स्ट टाइम। डायमंड पिकेक्स नहीं भाई, ये भाई लेगिंग्स नहीं बनाया अपने, हेलमेट नहीं बनाया, बहुत कुछ नहीं बनाया, क्या कर सकते हैं। तो वुड तो अपने पास बहुत सारी है, वुड की कोई कमी नहीं रहने वाली है फ्रेंड्स, ये मैं बता दूं आपको। फर्नेस में से स्टोन तैयार हो गया है, 64 स्टोन्स और डाल देते हैं। फर्नेस की ज़रूरत अभी और पड़ेगी अपन को, तो फर्नेस बना लेते हैं। कहाँ गया फर्नेस अपना? इतने फर्नेस काफ़ी होंगे, 3 फर्नेस काफ़ी होंगे, 1, 2 और एक क्राफ्टिंग टेबल। भाई तू किधर से आ गया? भाई रात हो गई, बंद करो इसको 2 सेकंड के लिए। मतलब मैं कि बाहर क्या गया, ये लोग तो आ ही गए। मतलब वुड तो अब मुझे इसमें तो है, इस फर्नेस में मुझे डालनी है, वुड ही डालनी होगी, कोई रास्ता भी नहीं बचा है। मेरे पास कोल तो है नहीं, वुड स्टोन को तपा, स्टोन को भी तपा सकते हैं। स्टोन तपाने से क्या बनता है, चलो ये भी देख लें, कुछ नई चीज़ डिस्कवर करेंगे अपन लोग। तो स्टोन तपाने से बनता है स्मूथ स्टोन, जो कि अपन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे बढ़िया ब्रिक स्टोन, स्टोन ही ठीक है। ये इसमें भी डाल देते हैं, इसमें भी थोड़ी सी वुड जो है इसमें डाल देते हैं। इसमें देखते हैं कितना फ्यूल बचा के रखा था मैंने, इतने फ्यूल का तो क्या अचार डालोगे? हटाओ फ्यूल, इतने फ्यूल का मैं क्या करूँगा? तो फ्यूल फ्यूल की जगह ये ठीक है। स्टोन्स इसमें 64 नहीं चलेंगे, इतने थोड़े ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो थोड़े कम कर लेते हैं, थोड़े इसमें डाल देते हैं। हाँ 27, 28 इसमें चले जाएंगे, थोड़े थोड़े सेपरेट करके इसमें चले जाएंगे। लास्ट वन में से तो कुछ होगा नहीं, थोड़े इसमें चले जाएंगे विथ वुड, थोड़े से वुड इसमें चले जाएंगे। रात हो गई है तो अपन लोग सो जाते हैं, सुबह तक सारे काम हो जाएगा। तो आज के आज अपन लोग अपना हाउस का मतलब फ्लोरिंग वगैरह सब हो सकता है। फर्नेस का क्या हुआ, 2 स्टोन बने हैं, अरे ये भी ज़्यादा स्टोन्स नहीं बने हैं, इधर भी कुछ खास तो है नहीं। भाई ये बात सबसे गंदी लगती है कि अपन लोग चाहे कुछ भी हो जाए सो जाए, लेकिन ये टाइम स्किप नहीं होता है। तो अभी क्या करें अपन लोग, टहल के आए थोड़ा सा क्या? नहीं हाँ कॉबल स्टोन्स, हाँ अपना काम, एक काम हमको याद आया, इस मॉसी कॉबल स्टोन को तोड़ना है, और ब्रिक्स वगैरह जो जितने भी स्टोन वगैरह है ना सबको तोड़ कर उसके ब्रिक्स बनाने हैं। स्टोन ब्रिक्स से अपना घर बनाएंगे हम लोग, थोड़े रईस ज़्यादा वाले घर बनाएंगे भाई, इतने मतलब तगड़े, इतने रईस ज़्यादा वाले थोड़े घर बनाएंगे, इतने मतलब थोड़े फालतू घर नहीं लगेंगे। हाँ तो भाई मॉसी कॉबल स्टोन्स कलेक्ट हो गए, नीचे में ये गड्ढा कुछ अजीब सा लग रहा है, फिलहाल इसे गोली मारते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो छत तोड़नी, छत से शुरू करेंगे पहले, जब इतनी इफ़िशियंट स्टोन्स हो जाएंगी तभी मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि इफ़िशियंट अगर स्टोन्स नहीं हुए उतने, तोड़ दिया बने नहीं, फिर मेरा ही दिमाग ख़राब होगा। इसमें भी है 56 ही स्टोन्स बने हैं, ये बन गया एक स्टोन। ब्लास्ट फर्नेस नहीं भाई, फर्नेस तो इसे मैं डाल देता हूँ। बस 5 मिनट और वीडियो चलेगी फ्रेंड्स, फिर आपका रेडल्स आ जाएंगे। तो फिर सबसे पहले तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो मैं छत नहीं, सबसे पहले मैं दीवार तोड़ता हूं, क्योंकि मैंने कुछ सोचा है। इधर इधर से ये और ऊपर जाएगा, इससे मैं एक रास्ता बना दूंगा, फर्स्ट स्टेयर्स, ये और ऊपर जाएंगी, यस ये और ऊपर जाएंगी। तो इसमें थोड़ा मॉसी कॉबल स्टोन डाल देते हैं, ताकि ये वापस कॉबल स्टोन बन जाए। हैं मॉसी कॉबल स्टोन का ब्लास्ट फर्नेस में होगा क्या? इनपुट डाल के देखते हैं, नहीं होता है भाई, ये ब्लास्ट फर्नेस अचार है, मैं इसको यही कहूँगा, कोई काम कोई क्रम का नहीं है। तो गिर, आउच लगी होगी बेचारे को सॉलिड। तो सबसे पहले क्या करना है, हाँ अपन के पास स्टेयर्स की कोई कमी नहीं है, डर्ट की कमी होगी,
जो कि डॉट वुड, क्योंकि मैं तो स्टोन से उतना मेहनत तो करने से रहा कि स्टोन बनाओ फिर स्टोन तोड़ो, दिमाग ख़राब हो जाएगी। हाँ तो फ़िलहाल तो भाई इस पिकेक्स से इस स्टोन को तोड़ देते हैं और बैठते हैं, ये लगाते हैं एक और दो, बस दो ही ब्लॉक काफ़ी होंगे। पीछे में देखते हैं बीचों बीच लगा है क्या, नहीं तो ये थोड़ा शिफ्ट हो गया राइट में, कोई बात नहीं है, ये इधर लग जाएगा, ये इधर लग जाएगा। चढ़ूँ कैसे? अच्छा ऊपर का ये तोड़ना पड़ेगा। ऑल स्टेयर्स लगाने होंगे। मैं कैसे यूज़ करूँ जो कम डर्ट इस्तेमाल हो, इसका समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं इलाइट्रा ही, काश अपने पास इलाइट्रा होता। नहीं एक में ही काम चल जाएगा तो फिर दो क्यों लगाएं? इधर इधर से अटैच करके, ओ भाई गलत गलत लग गया। तो फ्रेंड्स अब मैं सोच रहा हूँ कि ये बना लूँगा और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपकी रिडल मैं सोच रहा हूँ क्या रखूँगा, तो आपकी रिडल ये है कि आयरन गोलम, ये माइनक्राफ्ट से ही रिलेटेड है, आयरन गोलम को किस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है? अगर आप, ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है फायर। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को ऑप्शन ए वाटर चूज़ करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑप्शन बी फायर चूज़ करना है तो लाइक कीजिए। ओके वाटर के लिए सब्सक्राइब एंड फायर के लिए लाइक। ओके देखता हूँ कितने को पता है माइनक्राफ्ट के दीवानों को। सो लेट्स फिनिश द वीडियो। अच्छा तो चलो एक लास्ट टेयर लगा देते हैं, लुक अच्छी नहीं आ रही है। हाँ चलो तब लेट्स एंड द वीडियो।